हमारे साथ डमी स्टूडियो में मौजूद हैं अमरू अयार और उनकी एक खास खादमा। वेलकम टू मस्तियाँ। बहुत बहुत शुक्रिया वीना, आपने हमें अपने शो में बुलाया। आप इनकी खास खादमा हैं? जी मैं खास हूँ। तो पूरा दिन में कितने मसरूफ रहते हैं? साहब की मसरूफियत का तो आप मत ही पूछे। अच्छा, बहुत मसरूफ रहते हैं? जी बहुत। अच्छा, ये तो इतने मशहूर चोर हैं, आपकी फैमिली आपको कहती नहीं कि आप कहाँ जॉब कर रही हैं? नहीं नहीं, मुझे जॉब से गर्ज है, मुझे ये नहीं कि ये चोर हैं, डाकू हैं। एक्सक्यूज मी वीना, मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट करूँगा। चोरी की क्या बात आ गई? अगर कोई इंसान शार्प है, चालाक है, उसमें चोरी कहाँ से आ गई? बट अमरू अयार, आप अपनी चोरियों के लिए तो मशहूर हैं। बिकॉज आई वॉज वेरी क्लेवर, और अगर अपनी जहानत से कोई पैसा बनाता है तो उसमें कोई कबाहत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाभी जी। वालेकुम अस्सलाम, आप ही की हाल है? ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪੀ ਆ ਲੈ ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਕਵਾਂ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਔਰਤ ਤਾਂ ਪੁੱਛੀ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਉਹ ਮੇਲੇ 'ਚ ਕੁੱਤਾ ਲੜਾਂਗੇ। ਵੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੀ ਮੀਂਹ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆ। ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਕੱਪੜੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਹੀ ਨਹਾਤੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਰਜਿਆ ਰਸਾਲਾ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਚੁੱਪ ਰਹੋ ਜ਼ਰਾ। ਨਹੀਂ, ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਨਹਾਏਗਾ ਉਹ ਕੱਪੜੋਂ ਸਮੇਤ ਹੀ ਨਹਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਇੰਡੀਆ ਸਮਝ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੇ। ਚਲੋ ਵੀਨਾ, ਅਮਰੂ ਆਈ ਗ੍ਰੀਵ ਅਪ ਰੀਡਿੰਗ ਯੋਰ ਸਟੋਰੀਜ਼। ਆਪਕੀ ਸਲਮਾਨੀ ਜ਼ੰਬੀਲ ਕਹਾਂ ਹੈ? First of all, I would like to thank you that you've heard my story. अच्छा, ये जरा अमरू यार साहब ने ये अंदरून सिंध दे ने। अच्छा छोड़े अमरू, ये बताएं कि आपका पाकिस्तान के सियासतदानों के बारे में क्या ख्याल? मुझसे तेज कौन हो सकता है भला? बोलो बोलो, कौन हो सकता है? आप सियासत में भी आ रहे हैं? देखो वीना, सियासत मुझसे ही शुरू होती है और मुझे पे खत्म होती है। अरे, क्या तुमने उजड़ी खाई है? What? चलो रहने दो, कोई और सवाल करो। ये तो बहुत मासूम है, कैसे चला रहे हैं? आपका वो उड़ने वाला कालीन कहाँ है भाई? तो किराए तो देता मर जाने ने। भाई मेरे कालीन की क्या ही बात, उस पर जितना लोड डालो कोई मसला ही नहीं होता। अच्छा, 100 बंदा बिठाओ, 200 बिठाओ, आराम से अपनी उड़ान भर लेता है। सर आपका कालीन जो है सिंध से पंजाब भी आया होता है? मेरा कालीन सिंध से पंजाब क्या, बल्कि KPK, बलूचिस्तान और ना जाने कहाँ कहाँ गया है। एक दफा मैं इससे तंग हुआ। मैंने अपने कालीन को सीटी मारी, इसे शेखुपुरा ले जाओ। तो शेखुपुरा कौन सा बहुत दूर, आप जल्दी वापस आ गई होंगी? आगे तो सुन लिया कर फटाफट, अपनी उर्दू तो सुट नहीं है कि ले लो फटाफट। उन्हें सदर ही मैंने लाता, अगो फिर वैगन ते गई है मैं। वैसे वीना तुम्हें पता है मेरा फेवरेट कलर कौन सा है? आप बताए ना। खुद ही बता दो, नारंगी। मेरा ख्याल वो नारंगी कलर नहीं है, वो रस्टी है। मैंने उसका तो कहा नहीं है, इस जैसे साजिशी लोगों की वजह से पाकिस्तान आज इधर है। अच्छा, ऐसी गड्डी खलोती होवे ना, इहो जिहा बंदा एवं दिल बना देता उते। अच्छा, अगर अभी इसी वक्त आपको अपनी सुलेमानी टोपी पहनने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे, किधर गायब होंगे? हमने तो हमेशा सुलेमानी टोपी पहना ही है। आप टोपियां घुमाते हैं यकीनन। देखो मोहतरमा, सियासत नाम ही टोपी घुमाने का है। मैंने वो काम किए हैं कि जिसका तुम सोच भी नहीं सकते। जैसे कि दीवार चीन किसने बनाई बनाई है? मजदूरों ने। ये बुर्ज खलीफा किसने बनाया है? मजदूरों ने, अरबियों ने। एक जगह पर टिके ना आप। ये व्हाइट हाउस किसने बनाया है? तेरे अब्बे ने। ऐ आप पे नहीं जाने का, गाड़ी दुकान पे बहुत फिल्में इन्हें देखी हैं। ये मजदूर का हाथ है, एक पिघला कर उसका आकार बदल देता है। जितना को हाथ दो ईंटे उठा सकता होगा ये। पहली दफा सुलेमानी टोपी पहन के आप कहाँ गए थे? पहली दफा सुलेमानी टोपी पहन के मैं इस्लामाबाद गया था, प्रेसिडेंट हाउस। अच्छा, आपके दौर में कोई इमरान खान नहीं था, वरना आपको देख के चोर चोर की आवाजें लगाता है ना? नहीं था, से क्या मुराद है, वही तो है। उसको मुंह के बल किसने गिराया है? किसने? अमरू अयार ने। एक मिनट एक मिनट, मुझे कुछ डबल चेक करना है। क्या? आपका कभी दिल भी टूटा है? हमेशा दिल ही एक्चुअली टूटे। वन मोर क्वेश्चन, कभी आपको नैब ने भी बुलाया? उसकी क्या मजाल, उसकी क्या औकात जो हमें बुलाए। अमरू ये बताओ, कुटेकना याद है? कहाँ गया वो कुटेकना, हवा में तहलील हो गया। ये कारीगरी है इनकी वैसे। अच्छा ये बताएं कि आपको आर्ट से लगाव है? अरे वीना, हम तो इतने बड़े आर्ट लवर हैं कि बचपन में जब हमारी सालगिरह होती थी, अच्छा, हम खुद ही नाम लिखते थे। मर जाना बोलता ही है, मुंह च टॉफी है मेरी बात। मैं जो कह रहा हूँ।
ਯਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਇਹ ਕੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਸ ਚੁੱਕ ਲੈ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਔਰ ਜਬ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਤੋ ਬੀਚ ਮੇਂ ਨਾ ਬੋਲਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਤੀ ਹੂੰ ਕਿ ਆਪਕੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕੌਣ ਹੈ ਇਤਨੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਤੋ ਲੜਕੀ ਹੋ ਤੁਮ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਨਣਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹਤੀ ਹੋ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਲਾਈਫ ਕੋ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ਬਤਾਏ ਨਾ ਮੇਰੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੈ ਸੱਚ ਅ ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰਡ ਪਰਸਨ ये बताए कि जो आपके पास सारी चीजें हैं ये कालीन ये जंबील ये सब कुछ आपको कहाँ से मिला है ये उन दिनों की बात है जब हम पाबंद सलासल थे ओ जेल भी जा चुके हैं और एक बात याद रखना लड़की कि जिंदगी में जो कुछ सलाखें सिखाती है दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल KG1 प्रेप और KG2 नहीं सिखाती बस हम घर जाके तो ततियां सलाखें करके अपना मुंह दान ना लापे आपसे बात पूछना चाह रहा हूँ कि आप पाकिस्तान तो आए हैं आने वाले दिनों में पाकिस्तानी सियासत में क्या होता देख रहे हैं इन मोड़ा चढ़ाओ जो आप दो परेशानी वाली गल तो भी हसन लग पैंदा ऐ नौजवान तो नहीं बल्कि अधेड़ उम्र आदमी जहाँ मैं बैठ जाता हूँ वहाँ सियासत शुरू होती है और जहाँ मैं उठ जाता हूँ वहाँ सियासत खत्म होती है एक खानदान को सिर्फ अमरू अयार ही अलग कर सकता है आपके सारे ख्वाब पूरे हो गए हाँ हाँ क्यों नहीं गुड़िया मेरा पिछले दिनों सिंध में ख्वाब पूरा हुआ है और बाकी आने वाला ख्वाब बहुत जल्द पूरा होने वाला है अल्लाह करे तो अड्डा क्लीन कोई चुक के ही ले जावे क्लीन ते दा बड़ा मजा लेंदा सी एक दिन उत्ते सुता ते क्लीन जाके नु छप्पड़ च सुटया है अच्छा आप तो हर वक्त इनके साथ रहती है ना इनकी कुछ बातें हमें बताएं साहब नु भिंडियां बड़ियां पसंद ने बहुत ज्यादा उना दा पिछला हिस्सा मैं कट दी है ना नक ते ला के मेनू हसाउंदे ने फिर यार साहब मैं सुनया कि एक दिन ने तुहाडे खाने च नमक ज्यादा पाता सी ते की कहना हर फिल्म च ट्रेजेडी बोलण वाले आ अच्छा बाजी गल सच्ची कि तुसी कच्चे ते डाकू चोक के कराची लाए सो की कहना वे भतीजे ना मुश्किल सवाल करने वाले आ वैसे कुछ भी हो जाए आप कभी घबराए नहीं है ना वो हम ही क्या जो घबरा गए इस पे एक शेर याद आ रहा है देखो छोटी सी लड़की इट्स ऑल अबाउट टेम्परमेंट आप जिथे लेना बोल दे अंग्रेजी पा लेंगे मैं इन खातून से क्वेश्चन करना चाहूंगा आपको नहीं? हमारे शो में आगे कैसा लगा बस घर का ही माहौल है उठे भी कोई नहीं मुंह ला रहे थे भी कोई नहीं ला रहे बाजी नहीं तो डर दे कोई ब्याह तो नहीं बुलाता क्यों साडा साबण ले जंदी है हेलो एवरीबॉडी अगर आपने टीवी के ऊपर हमारा शो मस्तियां मिस कर दिया है तो यू स्टिल हैव अ चांस आप जाएं हमारे YouTube चैनल पे हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और दबाएं बेल आइकन का बटन ताकि जो लेटेस्ट एपिसोड्स हैं वो भी आपको मिलते रहें सो गो देयर एंड एंजॉय मस्तियां